हे hey फ्रेंड्स, जब भी आप कोई बच्चे को देखते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? शायद उसकी मासूमियत, प्यार, अपनापन। सही कहा ना मैंने? ऐसा लगभग सभी लोग मानते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे बच्चों से मिलवाते हैं जो कि बड़ों से ज़्यादा ताकतवर हैं, दूसरों बच्चों से हट कर हैं। ये बच्चे वेट लिफ्टिंग करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं और बहुत कुछ। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारी टॉप 7 बेस्ट वीडियो सीरीज़ के साथ। हमारी लिस्ट में फर्स्ट हैं जेक शैलन स्लैगर। जेक एक 14 साल के बच्चे हैं जो कि वेट लिफ्टर हैं और वो लगभग अपने से 2 गुना तक वेट उठा लेते हैं। जेक आयरलैंड से हैं और वो अब कई रिकॉर्ड्स बना रहे हैं वेट लिफ्टिंग में। जेक ने वेट लिफ्टिंग 12 साल की उम्र से ही चालू कर दी थी, जब उसने अपने फादर को गैराज में वेट लिफ्ट करते हुए देखा था। फिर उसके बाद जेक ने अपने फादर के साथ जिम जाना चालू कर दिया। तब वो अपने फ्यूचर ट्रेनर से मिला। जेक अब हर रोज ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन अब फर्क यह है कि वो लगभग 200 किलो तक का वेट उठा लेते हैं। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट है यांग जिगजुएन। यांग जिगजुएन एक 7 साल की बच्ची हैं जो कि चाइना में रहती हैं। उनकी छोटी हाइट के बावजूद यांग जिगजुएन एक से एक डिफिकल्ट फ्लिप्स कर लेती हैं, जबकि एक बड़े एडल्ट ये नहीं कर सकते और उनके पसीने छूट जाते हैं। यांग बचपन से ही बहुत एक्टिव थी। वो सिर्फ 3 साल से ही फाइटिंग और मार्शल आर्ट सीखने लगी थी। यांग के स्किल्स को देखते हुए यांग को सजेस्ट किया गया कि वो कॉम्प्लेक्स स्टंट्स करे। हैरतअंगेज तरीके से यांग ने ये सिर्फ 2 महीने में ही सीख लिया। यांग आगे अपने देश के लिए फ्यूचर में गोल्ड लाना चाहती हैं। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट है रीना हियोशी। रीना हियोशी सिर्फ एक 6 साल की बच्ची है जो कि मुआय थाई बॉक्सिंग करती हैं। अभी हाल ही में उनके फादर के साथ बॉक्सिंग करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। रीना हियोशी अपने फादर के साथ सरावत उदोयन थानी नॉर्थ ईस्टर्न थाईलैंड में बॉक्सिंग करते वक्त वीडियो शूट किया गया था, जो कि वायरल हो गया। रीना हियोशी की जापानीज मदर रीना को ट्रेन करने में मदद करती थी। रीना जब सिर्फ 3 साल की थी तब से ही वो ट्रेनिंग ले रही हैं। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट है नवीद यूसुफी। 5 साल के नवीद यूसुफी एक इंटरनेट सेंसेशन बन गए जब उनका एक वीडियो बॉक्सिंग करते हुए वायरल हो गया। नावीद का वीडियो उनकी प्रैक्टिस करते हुए शूट किया हुआ था। नावीद वैसे तो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ हाल ही में इंडोनेशिया शिफ्ट हो गए। नावीद के फादर ने बताया कि वो बॉक्सिंग और मुआय थाई लगभग 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे। इस छोटे से वक्त में नावीद ने बहुत ही अच्छा किया और दूसरों बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन गए। नावीद फ्यूचर में अपने देश को वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट हैं कीरा मैको जोनिंको। कीरा एक 9 साल की बच्ची है जो कि एक बॉक्सर है यूक्रेन से। ये बच्ची अपनी वीडियो शेयर किया करती थी और वो बहुत जल्द ही वायरल हो गई अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट की हेल्प से। लोग इन्हें पिंक पैंथर भी बुलाते हैं इनके बॉक्सिंग आउटफिट की कलर की वजह से। कीरा कभी कभार ब्लाइंड फोल्डेड भी प्रैक्टिस करती हैं। वो अपने से बड़ों लड़कों को भी आसानी से हरा देती हैं। उनकी 9 फाइट्स हुई, उसमें से मैक्सिमम ओल्डर एज कैटेगरी की थी। उनके करीबन इंस्टाग्राम पर 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं। कीरा भी अपने देश के लिए मेडल लाना चाहती है। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट है मैक्सिम रेजनिनचेंको। मैक्सिम एक बहुत ही मल्टी टैलेंट लड़के हैं। ये 2.5 साल की उम्र से ही स्कीइंग की प्रैक्टिस करने लगे थे। वो आज 9 साल के हो गए और बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं। इनकी हॉबी की लिस्ट बहुत ही लंबी है। मैक्सिम स्नो स्कीइंग, मोटोक्रॉस, साइकिल स्टंट्स, जेट स्की एंड स्केट्स और भी कई स्पोर्ट्स खेलते हैं। वो रेस में पार्टिसिपेट करते हैं और जिमनास्टिक भी करते हैं। मैक्सिम ने अभी तक कि ये डिसाइड नहीं किया कि इन्हें क्या बनना है, लेकिन ये ज़रूर बोलते हैं कि वो एक सुपर हीरो बनेंगे। हमारी लिस्ट में अगली हैं रॉरी वैन उल्फ। रॉरी एक बहुत ही दुबली पतली सी लड़की हैं जो कि लगभग 80 kg तक का वज़न उठा लेती हैं। ये छोटी बच्ची रॉरी कैनेडा से है और ये सिर्फ 4 फिट की हैं। उन्होंने वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस लगभग अपने 5th बर्थडे से स्टार्ट कर दिया था। रिसेंटली अभी रॉरी ने एक अंडर 11 और अंडर 13 की 30 kg चैंपियनशिप जीती है। इनका सपना है कि अपने देश के लिए एक गोल्ड मेडल लाएं। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।